हेलो नमस्कार, मैं सचिन आपके साथ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है, किसी उत्पाद की बिक्री पर बिक्री हुआ 25% अधिक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाता है तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। सॉल्व करते हैं अपन, सॉल्व ठीक है। तो माना अपन ने क्या माना, माना क्रय मूल्य 100 है मान लिया। चलो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25% की लाभ होती है तो विक्रय मूल्य होगा क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 100 प्लस लाभ कितना दिया हुआ है 25, बराबर कितना हो गया 125। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना देना और क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य बना देना है, तो मतलब प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार लिखा अपन ने, तो प्रश्नानुसार क्या है, तो उसने बोला है कि क्रय मूल्य को क्या बना देना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मान कितना दिया है 125 हो गया, तो और क्रय मूल्य को क्या बना देना है, विक्रय मूल्य बना देना है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 100। तो कितने की हानि हुई, तो हानि क्या होता है, तो हानि बराबर होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है बस। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 125 माइनस 100 बराबर कितना आ गया 25। तो हानि प्रतिशत क्या हो गई, हानि प्रतिशत क्या होगी, तो हानि का सूत्र क्या होता है, हानि बटे, यहां लिख देते हैं हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, क्रय मूल्य गुणित 100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25 बटे 125 गुणित 100। तो 25 एकम 25, 25 पंच 125, 5 एकम 5, 5 विषम 100, मतलब 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। कितने प्रतिशत की हानि हो गई, 20% की। थैंक यू।